नमस्कार मित्रों, और कैसे हैं आप सभी। बेरोजगार ज्ञानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। एज यू नो, मैं परफ्यूम भी अनबॉक्स करता हूं, टैग के अलावा मतलब पर्सनल केयर के बारे में भी बात करता हूं। अब दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम द मेन कंपनी की तरफ से छोटे छोटे 8 ml के 4 ml अनबॉक्स किए थे, लेकिन उसके नीचे कमेंट आए कि गैलेक्सी वाली सीरीज है वो काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी अच्छी बताई। तो मैंने यहाँ पर द मैन कंपनी की तरफ से यहाँ पर ये परफ्यूम मंगाई है। ये भी वही 4 8 8 ml के परफ्यूम्स हैं, जिसमें मर्करी, अर्थ, मार्स एंड नेपच्यून आप देख सकते हो। तो ये परफ्यूम्स के नाम हैं। तो अब इसको एक बार अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इनकी खुशबू कैसे और क्या ये आपको खरीदनी चाहिए या नहीं। और दोस्तों, एक और बात बता दूं, ये जो परफ्यूम है वो अपन को ट्रैवल में यूज आते हैं, मतलब अपन बड़ी सीसी लेकर नहीं जाना चाहते, शादी में जाना चाहते हैं तो मतलब छोटी छोटी सीसी आती है तो आराम से इनको यूज कर सकते हैं और दोस्तों के मांगने का झंझट भी खत्म। इतनी सी सीसी भैया कितने लोग लगाएंगे। खैर, फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ पर डायमंड कंपनी की सील आई है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। तो मेरे को नया नकोर ओरिजिनल रामपुरी चाकू मिल चुका है, तो इससे हम इसको अनबॉक्स करते हैं। इसके सील को यहाँ से हटा लेते हैं और यहाँ से भी इसके सील को हम हटा लेते हैं। तो सील यहाँ पर हट चुकी है, तो अब इसको हम फटाफट से खोल लेते हैं, एकदम स्लाइड करके खोल लेंगे। और जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर आपको 4 सीसियाँ दिख जाएंगी और लुक में काफ़ी क्यूट है, जैसे कि लास्ट टाइम आपने वीडियो में देखी थी। अब फटाफट से हम इनको एक एक निकाल के चेक कर लेते हैं कि किस प्रकार की इनकी सेंट, इनकी खुशबू है। तो हम सीरीज जो है यहाँ पर चेक करेंगे, जिसमें सबसे पहले है मर्क्यूरी, फिर है अर्थ, फिर है मार्स और उसके बाद में है नेपच्यून। अब दोस्तों, सेंट एक ऐसी चीज़ है जो डिपेंड करता है आपकी सेंस पर, स्मेलिंग सेंस पर, कि भाई साहब आपको कैसी खुशबू पसंद है। तो हो सकता है ये मेरे को पसंद आए या ना आए, लेकिन हाँ, आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि ये परफ्यूम किस तरह की है या फिर किस तरह की सेंट करती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मर्क्यूरी को निकालता हूँ और उसको चेक करता हूँ। और क्योंकि मेरे लास्ट परफ्यूम वाले वीडियोज में मेरे व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि तेरे को मतलब स्मेल सेंस करना नहीं आता या फिर किस तरीके से चेक करना नहीं आता, मतलब हाथ वात नहीं रगड़ने चाहिए, सेंट मतलब उसकी बिगड़ जाती है। तो मैं यहाँ पर इस तरह का एक पेपर लिया है, द मैन कंपनी का ही है, तो उस पर लगाकर इसको टेस्ट करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर है मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी को इस पर लगा देता हूँ और उसके बाद में ओके, एक भीनी भीनी सी महक, थोड़ी सी मीठी सी, इट इज़ डिफरेंट। मतलब आपसे पहले जो परफ्यूम यूज किए थे या फिर डेमैन कंपनी की पहली जो सीरीज मैंने यूज की थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये एकदम डिफरेंट है। अब करते हैं नेक्स्ट ट्राई, तो इस वाले पेपर को रख देते हैं और दूसरे वाले को ट्राई करते हैं। अब हम ट्राई करेंगे अर्थ। भाई साहब, हम पृथ्वी पर रहते हैं तो देखते हैं पृथ्वी वाली सेंट कैसी होती है। ये दूसरा पेपर मैंने लिया है, तो फटाफट से इसको हम यहाँ पर सेंट कर लेते हैं। ओके, एंड देखो, झूठ नहीं बोलूंगा पर जैसे अगरबत्ती की अगर महक आपने सूंघी होगी तो थोड़ा सा, लेकिन हाँ, मैं यूं नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही अगरबत्ती हो गई, लेकिन कुछ तो बात है, मतलब एकदम अगर आप जंगल में जाते हो और एक नेचुरल जो स्मेल आती है उस टाइप की स्मेल आपको इस अर्थ वाली परफ्यूम में फील करेंगे आप। बाकी अब बढ़ते हैं तीसरी परफ्यूम की तरफ और अब बारी है तीसरी परफ्यूम, जिसका नाम है मार्स। तो गैलेक्सी सीरीज में मार्स वाला परफ्यूम देखते हैं कैसा है। तो फटाफट से इसको हम स्प्रे करते हैं। ओके, इट इज वेरी डिफरेंट। देखो, नॉर्मली परफ्यूम से ये बहुत ही अलग इसकी खुशबू है, जो कि मुझे वाकई इन जो इससे पहले दोनों हैं उनसे काफ़ी अलग लग रही है। अब अच्छी बुरी का तो मैं आइडिया नहीं लगा पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, खुशबू बहुत अच्छी। अभी डिपेंड करता है कि भाई साहब सामने वाले इंसान को जब आप लगा के जाओगे तो उनको कैसी ये लगने वाली है। बाकी अब बढ़ते हैं अगली की तरफ एंड अब लास्ट में चेक कर लेते हैं नेपच्यून को, फटाफट से स्प्रे कर लेते हैं इस पेपर पर। इट इज़ स्ट्रॉन्ग, मतलब इसको जब स्मेल करोगे तो कहते हैं ना कि एक तो माइल्ड होती है, एक थोड़ी सी लॉ होती है, ये है स्ट्रॉन्ग। एक मीठी मीठी सी खुशबू, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये आपको फील होने वाली है। लेकिन अगेन, बाकी तीनों से ये एकदम अलग है।
परसेंट अच्छी है। एंड हाँ, मुझे पर्सनली मार्स वाली सबसे बढ़िया लगी, ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ी सी माइल्ड है। बकबियर लिस्ट के अनुसार मुझे कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद आई, तो वही मार्स वाली, क्योंकि ये माइल्ड खुशबू देती है और इसकी खुशबू वाकई काफ़ी अच्छी है। और दूसरे नंबर पे है नेपच्यून, ये लाइट है, मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब माथा नहीं दुखा देगी, बहुत ही लाइट इसकी खुशबू है। उसके बाद मुझे अर्थ अच्छी लगी, क्योंकि इसकी खुशबू आप जज नहीं कर पाओगे, ये बहुत ही डिफरेंट है। और मैं फिर बोलूँगा, जैसे कि आप जंगल में जाते हो, एकदम नेचर में जो एक अजीब स्मेल आती है, वो वाली स्मेल आपको इसमें सूंघने को मिलेगी, जो शायद लोगों को पसंद आए और ना भी आए, कुछ कह नहीं सकता। लेकिन चौथी नंबर पे आई है मेरे को मर्क्यूरी, जो बहुत ही मीठी सी महक है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो बहुत ही जल्दी मतलब एकदम रूम में फैल जाती है, तो उस तरह की यहाँ पर मर्क्यूरी। और मुझे स्ट्रॉन्ग वाली परफ्यूम ज़्यादा पसंद आती नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों, आपको ये परफ्यूम लेनी चाहिए या नहीं, तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि इसकी जो प्राइस है वो है 295 रुपीज, जिसमें आपको 4 8 ml के मिनिएचर मिलेंगे, जिसको आप डेली यूज़ के लिए यूज कर सकते हो टेस्टिंग के तौर पर। एंड एक ही बात बोलूँगा कि अगर आप परफ्यूम में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, सकता है किसी को ये खुशबू ज़्यादा पसंद आ जाए, किसी को ना आए, तो वो डिपेंड करता है सेंस पर। बट हाँ, मार्स वाली मुझे अच्छी लगी। अगर आप परफ्यूम मंगाना चाहो तो दी मैन कंपनी की मार्स अलग से भी मिल जाती है, बड़ी सीसी, तो वो आप प्रेफर कर सकते हो। लेकिन टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो बाकी लोगों जिनको मैंने ये परफ्यूम सुंघाई, उनको ये उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, मतलब आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। और दोस्तों, द मैन कंपनी की गैलेक्सी सीरीज से पहले भी मैंने मिनिएचर वाली जो सेंट है उसकी अनबॉक्सिंग की थी, और उन परफ्यूम्स की खुशबू एक्चुअल में काफ़ी अच्छी थी, तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। एंड हाँ दोस्तों, एक और कमाल की बात यह है कि ये जो परफ्यूम आप लोगे, तो ख़त्म हो जाने के बाद में आप मनचाही परफ्यूम इसमें भरकर ले जा सकते हो, क्योंकि इसको आप इजीली खोल सकते हो, तो ये अच्छी बात है। इसको आराम से खोलने के बाद इसकी सेंट को निकालने के लिए धो लें, और ये रीयूजेबल सीसी है, मतलब आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं परफ्यूम भर भर के। सो आई होप दोस्तों, आपको द मैन कंपनी की गैलेक्सी सीरीज वाली परफ्यूम्स का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।